बनाने वाला बाइक है। हाँ हाँ यूट्यूब बनाने वाला बाइक है, हाँ बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है सस्पेंशन, तो आपको पीछे गर्लफ्रेंड पता चला उड़ गई। हे गाइस वेलकम टू द बाइक्स वे यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शांतन चौधरी अगेन। दोस्तों फाइनली आज हम लोगों का लाइट लगने वाला है बाइक पे, जो लास्ट काम बचा हुआ है। लाइट कौन कौन सा लगवाएंगे ये सब आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। पीछे दिख रहा होगा आपको लाइट के डब्बे पड़े हुए, उसमें बहुत सारे लाइट्स हैं लगे हुए जो कि बाइक पे लगने वाले हैं। टोटल 5 लाइट, एक लाइट लग चुका है। ये लाइट मैंने हेडलाइट में लगाया है, एक सिद्धार्थ भाई को गिफ्ट किया है। एंड अभी इंजन गार्ड और टैंक गार्ड के ऊपर कौन सा लाइट लगने वाला है वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। कितना खर्चा हुआ है टोटल अभी तक का पूरा आप लोगों को हिसाब बताऊंगा, और कहां कहां से मैंने क्या क्या काम करा है। थोड़ा सा झलक दिखला दूं, ये लाइट होने वाला है, बस इतना ही दिखाऊंगा। अगर बाइक पे लाइट लग गई तो उसके बाद जो रात का नजारा होने वाला है ना, वो पूरा रात नहीं होगा, एक्चुअली वो दिन होगा। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विंडशील से आगे उनको दिखाई नहीं दे रहा। विंडशील का बहुत सारा काम है, विंडशील का एक्चुअल में मेन काम है कि आपके ऊपर पूरा विंड ब्लास्ट से बचाना एंड आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इन्हांस करना, और आपको कम थकावट होगी, कमर में कम दर्द होगा। मतलब आपको विंड ब्लास्ट ऑलरेडी, आपको हवा कम लगेगी बाइक पे, तो आप एकदम लगेगा कि आप कार में बैठे हो, वैसा ही कुछ है। विंडशील से सामने आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा विंडशील में क्लियर अपना। अगर आप YouTube पे वीडियोस देखने जाएंगे एडवेंचर वीडियोस में, तो पूरा गंदा रहता है विंडशील, तब भी वीडियो बनते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि विंडशील पूरा क्लीन रखूं। मैं कुछ यूट्यूबर से कांटेक्ट में भी हूं, जिनसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई विंडशील के ऊपर का फुटेज लाना है तो क्या कर सकते हैं, एंड उन्होंने कुछ कुछ उपाय बताया, हम लोग ट्राई करेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहना। और अब बात यह आती है कि मुझे कितना लाइट का जरूरत था अपने बाइक पे। मुझे अपने बाइक पे 2 लाइट्स की जरूरत थी, बट एसएन व्हीकल्स ने 4 प्रोजेक्टर लैंप भेज दिए। चलो आज इतना लाइट है ऑलरेडी। कोल्ड स्टार्ट करके मैंने 1 मिनट के लिए इंजन ऑन छोड़ दिया था, तो बाइक गर्म हो चुकी है ऑलरेडी। सो वेलकम अगेन, आज मैं टी शर्ट पहन के निकला हूँ, ब्लैक टी शर्ट विद द सेक्सी लोगो ऑफ मर्सिडीज। आज मैं 120 फ्रेम रेट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आप लोग बताना आज कैसा लग रहा है आप लोगों को, एंड मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर का फुटेज आए अब से। सो गाइज, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी कैसी लग रही है बाइक दूर से। एंड आज डे लाइट है तो बहुत अच्छा लग रहा है सामने से, एंड इस पर लाइट लग जाएगा ना भाई साहब, पब्लिक रिएक्शन तो इतना जबरदस्त आ रहा है ना, बोल्ड लुक दे रही है ये बाइक। एंड अभी मैं चला रहा हूँ ना, तो भी लग रहा है कि हाँ मेरे हाथ में कुछ है बड़ा चीज़। सो दिस इज़ वेरी वेरी, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे घुमाने में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है चारों साइड से। एंड इसके वजह से जरा सा भी वाइब्रेशन, बोलते हैं ना कि जितना एसेसरीज लगाए उतना वाइब्रेशन आएगा, तो दोस्तों वाइब्रेशन नहीं है इसमें, क्योंकि मैं खुद चला रहा हूँ तो इसको फील करूँ। भैया जी एक सेकेंड, 5:18 हो रहे हैं, मैं निकल चुका हूँ करोल बाग के लिए, अभी 28 मिनट्स और दिखा रहे हैं। आधा घंटा और रुक जाऊँ ना तो ये 48 मिनट भी हो जाएगा, बिकॉज छुट्टी होता है ऑफिसेज का, तो बहुत ज़्यादा जैम लग जाता है। 4 बजे अगर आप घर से निकल जाओगे तो 4 बजे द बेस्ट टाइम, जब आपको जाम भी नहीं मिले और थोड़ा ठंडा भी मिले, धूप भी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो चलिए सीधा चलते हैं करोल बाग, एंड उसके बाद वहाँ पे आपको लाइट सारी खोल के दिखाएंगे, कौन कौन सी लाइट लगवा रहे हैं, क्या कैसे प्रोसेस होता है लाइट लगाने का, क्या क्या चीज़ खोलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो टैंक भी उतारना पड़ेगा, टैंक के अंदर से वायरिंग जाएगी, कितना खर्चा लग रहा है, कितना लेबर चार्ज लग रहा है, कौन सा लाइट लग रहा है, सारा डिटेल आज के इस वीडियो में होगा। हम लोग अभी मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन से क्रॉस कर रहे हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज सजेशन देना चाहूंगा, अपने जो परमानेंट यूज में जो हेलमेट यूज करते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी का यूज करें, बिकॉज बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, डेली होता है, डेली लाखों लोग एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से कई हजार लोगों की जान चली जाती है। तो रोड साइड में जो हेलमेट बिकता है वो प्लीज मत खरीदें, अच्छे कंपनी और अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहनोगे आप तो आपको पूरा सेफ्टी मिलेगा। एंड ये देखो आर्मी की व्हीकल, इसके नंबर भी अलग है, ये बुलेट नहीं है, ये देश की धड़कन है, दिस इज टोटली ऑफिशियल आर्मी बाइक। ओ ब्लैक कमांडो, एंड इसमें पैनियर्स भी लगा हुआ है। मैं ये बता रहा था दोस्तों कि ये जो रोड साइड में हेलमेट बिकता है ना, प्लीज़ उसको यूज़ मत करना, उसे लाइफ थ्रेट ही है वो, बस पुलिस से चालान से बचने के लिए है। आप डॉट सर्टिफाइड हेलमेट यूज़ करो, अगर आपके पास बजट है थोड़ा सा तो आप डॉट सर्टिफाइड, बोलना कि डॉट सर्टिफाइड हेलमेट चाहिए। अमेरिकन टेस्ट को पास करेगा ना हेलमेट जिसका क्वालिटी, वही डॉट सर्टिफिकेशन प्राप्त कर पाएगा। साथ में ही ECE सर्टिफिकेशन होता है, यूरोपियन सर्टिफिकेशन, तो दोनों याद रखना, डॉट सर्टिफाइड हेलमेट लेना या फिर ECE सर्टिफिकेशन लेना। बहुत सारा ऐसा हेलमेट है जो डॉट सर्टिफाइड भी है साथ साथ ECE सर्टिफिकेशन भी है, मतलब कि यूरोपियन सर्टिफिकेशन भी उसके पास है, एंड ISI भी है, इंडियन सर्टिफिकेशन भी है, तो आपको सेफ्टी पूरा मिलेगा। मैं यही सोचता हूँ कि ISI सब चीज पे ISI मार्कर डाल के बेच दिया जाता है, अगर आदमी 100 के रफ्तार से गिरता है तो वो 200 रुपए का हेलमेट आपको कैसे बचा पाएगा।
ओ भाई मैं तो डर गया। शेट शेट शेट, मैं इतना ज्यादा डर गया ना। देखो दिल्ली ऑब्वियसली पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको मेरे बाइक में एक भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस INDI नंबर प्लेट छोड़ के जिसके ऊपर मेरा चालान हो सकता है इंडिया में। और मैं गलत नहीं ड्राइव करता हूँ, मतलब ओवर स्पीडिंग ये सब नहीं करता, कभी नहीं, बहुत कम, बहुत रेयर हाईवेज पे वगैरह पे मन कर गया तो कभी स्पीड चला लिया गाड़ी, ऐसा नहीं होता। लेकिन डर तो लगता ही है, आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोक देगी तो आपका तो पसीना वैसे ही उतर जाएगा। लेकिन डरना नहीं है, डर किस बात का भाई, आप डरिए मत, आराम से सामना करिए, आप अपना फुल डॉक्यूमेंट लेके चलिए, नियम कानून का पालन करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी इंडिया में, राजधानी, चाहे मैं बिहार से हूँ, चाहे आप केरला चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग अलग नियम होता है, जैसे सिक्किम में नो होंकिंग है, हॉर्न बजा ही नहीं सकते आप टर्निंग पे हॉर्न बजा सकते सिर्फ, और यू टर्न बैन है वहाँ पहाड़ों पे, तो ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ट्रैफिक पुलिस को देखते ही पसीना उतर जाता है ना, आप लोगों का भी होता है ना ऐसा? होता है भाई, होता है। लेकिन डरने का नहीं है ना ब्रो, वो हमारे लिए है ना, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए है वो। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, यहाँ से तो राइट दिखा रहा है, इधर जाऊँ। सो हम लोग पहुंच चुके हैं करोल बाग वाले एरिया में, लाइट वाले दुकान पे चलना है, वायरिंग वगैरह लेना है, एंड उसके बाद सीधा चलेंगे इलेक्ट्रिशियन के पास, उसके बाद उनसे वायरिंग का काम शुरू करवाएंगे, जल्दी जल्दी शुरू करवाते हैं। कुंदन भैया भी आज बुला रहे हैं, कुंदन भैया का हार्ले डेविडसन का नया बहुत महंगी बाइक खरीदी है कुंदन भैया ने, पता नहीं कौन सी बाइक है, बहुत बड़ी दिखती है, होंडा गोल्डविंग के टाइप। तो पहले लाइट लगवाते हैं, देखो कितना सॉलिड लग रहा है ये साइड से एंड दिस साइड से। रोड पे ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए देखते हैं तो सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्य। तो ये आ गए हम लोग करोल बाग के अंदर, पता नहीं कितने रास्ते हैं करोल बाग जाने के लिए, हमेशा भटक जाता हूँ। लाइट का खर्चा मुझे नहीं लगा, सारे स्पॉन्सर्स ने उठाए हैं खर्चे लाइट लगवाने के लिए, मेरे बाइक पे जितना लाइट लगने वाला है वो सारा पैसा स्पॉन्सर ने अरेंज कराया है। जिस कंपनी का लाइट है उसके जो मेन जो इंडिया है उसको लेके आते हैं अदर कंट्री से, उस लाइट को उनके यहाँ जा रहा हूँ, और उनके यहाँ ही SN व्हीकल्स पटना ने मुझे भेजा है, बोला कि आप जाके लाइट लगवा लो, उनके यहाँ जाके वायरिंग ले लो, क्योंकि कंपनी की वायरिंग लगेगी तो बहुत बेटर होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे लाइट लगवाना बहुत छोटा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट लगवाना बहुत ही टफ काम है। अगर आपने सही इलेक्ट्रिशियन के पास अपना लाइट नहीं लगवाया तो जो वायरिंग अंदर से टैंक के अंदर से गई है और लो क्वालिटी लगा दिया उसने, तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि मार्केट में कहीं बाइक चलती हुई बाइक में आग लग गया, चलती हुई कार में आग लग गया, तो वैसा ना हो, इसीलिए बेस्ट क्वालिटी का जो जिस कंपनी का लाइट लगने वाला है उसी कंपनी का हम लोग लगाएंगे। YouTube बनाने वाला बाइक है। हाँ हाँ, यूट्यूब बनाने वाला बाइक है, हाँ बोल सकते हैं। हाँ कैमरा लगा हुआ, देखो कैसा कंफ्यूज कर रहा है मुझे गूगल। तो आप लोग बात समझ गए होंगे, अगर मतलब कार सब में आग लगता हुआ देखते होंगे आप लोग, तो उसी वजह से लगता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। अगर अच्छे क्वालिटी का वायरिंग नहीं यूज़ किया गया या वायरिंग खराब कर दी गई खराब तरीके से, कहीं भी कोई भी तार काट के जोर जार अगर किया गया तो फिर आग लग सकती है बाइक में, और गर्म होता है तो आग लगती है। कल संडे राइड मत मिस करना आप लोग, कल हम लोग जाने वाले हैं संडे राइड पे, सुपर बाइक का सारा सुपर बाइक आएगा संडे राइड पे, तो मज़ा आने वाला है यार। अब चलते हैं, 34 नंबर गली है, UP के गन्ने का जूस। अरे भाई मेरा 123 डिग्री टेम्परेचर, बाइक का तो जान निकल रहा है इस जैम में। अंकल 34 नंबर गली कहाँ पे, आगे जाऊं? अरे बेल का शरबत पिला रहा है यार, मन तो बहुत कर रहा है यार, पी लेता हूँ भाई, हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो भैया शरबत पिला देंगे, कितने का है? चलो बेल का जूस पी लिया। वाओ नाइस हेलमेट ब्रो, इज दिस द गन वाला शॉट वाला हेलमेट? Oh, bulletproof hai. And you were in army, I guess, your father. I saw like lot of BMW these days. Yeah, BMW have launched 11 lakh se niche ki bike 12 lakh se nahi aati thi. Abhi India mein unhone 5 lakh ki launch ki thi. So I got this one. Looks expensive. Yeah, it looks expensive. Like 10 lakh, 12 lakh. Haan, 313 cc. But this bike is expensive to maintain. BS6 aaya, usme 1.5 lakh rupaye daam ghata diya. Lekin ABS ka switch ghata diya. Hat gaya ab. Ab ABS hamesha on rahega. Lekin is bike mein main chahun to ABS off kar sakta hun. To off-roading mein mujhe ye kaam aayega. Abhi BS6 aa gaya to ride by wire kar diya. Lekin BS4 mein pura throttle wire se connected hai. To iska torque zyada hai. Okay, so you maan lo ki aap girlfriend ka weight hai kitna? 60. या 60 में इट्स गुड, अगर थोड़ा ज़्यादा होएगा तो इसका सस्पेंशन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सस्पेंशन, तो आपको पीछे गर्लफ्रेंड पता चला उड़ गई लाइक
नो दिस इज वेरी कम्फर्टेबल फॉर द पिलियन एज वेल. अगर इसको अच्छे से चलाएंगे, अगर आपको नींद नहीं आएगी, अगर आप इसको 900 किलोमीटर भी एक दिन में चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एंड द क्रूजिंग स्पीड 120 किलोमीटर पे क्रूज कर सकते हो आप, कंटिन्यू 120 पे ले जा सकते. आई हैव अ यूट्यूब चैनल बाइक्स वेब, सो ओनली फॉर द सिक्योरिटी रीजन. वो पूरे इंडिया के होलसेलर हैं उस कंपनी के, तो वहाँ पे वीडियो एक्चुअली नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया. और लाइट मैंने एक्सचेंज करा लिया है. चारों प्रोजेक्टर लैंप्स थे, उसमें से दो स्प्रेडर ले लिया है और दो प्रोजेक्टर है. अभी तो तुम्हारा गोटी सड़क जाता. क्रैश गार्ड किससे लगवाया? पहले आप कैसे हैं ये बताइए. आज आप हमारे वीडियो में भी आ रहे हैं, कैसे हैं? क्रैश गार्ड मैंने लगवाया पाथ पेवर से. जो लाइट्स लग रहे हैं वो लाइट्स कौन कौन से, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइट, HJG लाइट्स आते हैं. नाम है HJG 4 LED Cree. सो दिस इज द लाइट. ओ माय गॉड, लुकिंग सेक्सी. पीला वाला कैप हटा के व्हाइट इसको कर सकते हैं. अब जब आपको पीला चाहिए तो आप पीला लगा सकते हैं इसमें. ये लगने वाला है ऊपर, स्प्रेडर का काम करेगा, ये लाइट को स्प्रेड करेगा. यहाँ पे लगा रहे हैं. ओह वाओ, कितना सही दिख रहा है भाई. जो दूसरी लाइट है वो भी निकल चुकी है. एंड दूसरी लाइट कौन सी है ये देखो. लुक एट द बीस्ट लाइट मैन. जो ज्ञानी बाइकर ज्ञानी भाई मिले थे, उन्होंने भी अपने TRK बेनेली पे यही लाइट्स लगवाई. एंड दिस इज द, ये अभी का इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने वाला फॉग लाइट है. कितना हो रहा है, 8:17 हो गए लगवाते लगवाते. भूख बहुत जोर की लगी है, सोच रहा हूँ कुछ खाने पीने का इंतजाम करूँ. आप लोगों का रमजान? बाप रे बाप, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत. अभी याद आया मेरे को रमजान चल रहा है. सो गाइस, लाइट्स लग चुकी हैं. सो ये सामने डार्क सी गली है. इग्निशन ऑन किया तो हेडलाइट है, हेडलाइट वाला बल्ब जलेगा. सो दिस इज़ द हेडलाइट बल्ब. ये ऊपर वाली लाइट हो गई दोस्तों. प्रोजेक्टर लैम्प जलाते हैं. सो दिस इज़ द प्रोजेक्टर लैम्प स्विच. काफ़ी दूर तक जा रही है. बारात में ले जाना भाई इसको. बारात में ले जाऊँगा. वाइट प्रोजेक्टर लैम्प, ये पीला प्रोजेक्टर लैम्प. अपने आप ट्यून हो रही है ये. ये अपने आप हो रही है. बहुत ही सही दिख रही है. तो ब्रॉड लग रही है अब बाइक. अल्टीमेट. एक बार हम लोग चारों पीला लाइट ट्राई कर रहे हैं. ओ वाओ. बहुत लोडेड लग रही है बाइक. लग रही है 1250 जैसी. लुक, दो प्रोजेक्टर हैं नीचे एंड दो स्प्रेड लाइट्स हैं, एक हेडलाइट है. टोटल 5 लाइट्स हैं. दिस इज गुड ना. लुक, टोटल मेरा लेबर का और फिटिंग का और कुछ कुछ छोटा मोटा स्विच वगैरह लगा के, सब चीज़ लगा के मेरा हो गया 1500 का बिल. सो गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए. एंड आज फाइनली लाइट्स लगवा लिया. देखो दोस्तों, आज हम लोग कुंदन भैया से मिलने वाले थे, बट कुंदन भैया से नहीं मिल पाए बिकॉज ऑलरेडी लेट नाइट हो चुका है. एंड कल सुबह राइड है, संडे राइड, और हम लोग सुपर बाइक के साथ दिल्ली में राइड करने वाले हैं. कल सुबह वाला ब्लॉग के लिए रेडी रहना, यानी कि संडे राइड का ब्लॉग मत मिस करना. बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है एंड बहुत मस्त हम लोग सिनेमेटिक्स भी लेंगे. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के राइड के लिए, कि बड़ी बड़ी बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगले ब्लॉग में. सो आर यू एक्साइटेड? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. कि अब से क्या करूँगा कि आप लोगों में से एक कमेंट को फीचर करूँगा. ये बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल कमेंट आता है तो मैं मोटिवेट होता हूँ काम करने के लिए, और ज़्यादा काम करने के लिए, और ज़्यादा रेगुलर ब्लॉग्स लाने के लिए. तो कमेंट करना मत भूलना, अपने व्यूज़ एंड अपने सजेशंस रखो. एंड मैं कोशिश करूँगा कि विंड स्क्रीन वाला जो प्रॉब्लम है, जो आप लोगों को विंड स्क्रीन से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वो जल्द ही सॉल्व हो जाए. उसके ऊपर भी मैंने काम करना स्टार्ट किया है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. इफ़ यू लाइक एंड एन्जॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल बाइक्स वे. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और अगले वाला ब्लॉग जरूर देखना, मिस मत करना. बाय 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 बाय, नमस्ते. एंड दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में नहीं बताया था कि ये जो गार्ड्स लगे हैं वो कितने के आया. 25,000 रुपीज का गार्ड्स आया एंड 3 ईयर्स का वारंटी आया इसमें, रस्टिंग का, पेंट प्रोटेक्शन का. अगर टैंक गार्ड और इंजन गार्ड में कोई भी दिक्कत आई तो 3 साल का वारंटी है विद पूरा लेबर लगा के. लाइट जो है लगभग वो 10,000 के हैं. वाओ.